अमेरिका में क्या हो रहा है एन नाक के नीचे। रोहित, जब आप ये देखते हैं, आपका इंडिया से ताल्लुक है, आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप वहाँ पे काम करने के तरीके के आपको जानते हैं, वहाँ के लीडर्स का माइंडसेट समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए दिनेश, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट लीडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और होता यह है कि अगर आप जैसे कि वो जो नाजी जो प्रोपेगेंडा था, आप जितनी बार झूठ बोले वो सच लगने लगता है। I mean, that is unfortunately true। और दूसरी बात इसमें दिनेश ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा था कि इट इज बिकम अ मनी मेकिंग बिजनेस। तो आप देखिए ऐसे लोग सेकेंड जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिकन या थर्ड जनरेशन जो जिनका कोई ताल्लुकात भी नहीं है कश्मीर से, वो इसके बारे में झूठ फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा और इसको एक्सपोज करना, जो हम अपने चैनल के जरिए कर रहे हैं आज, बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जब डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत आके कहते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं आपस में कोई भी बात कर सकते हैं, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारे मिनिस्टर्स इस तरह की बातें क्यों नहीं करते, या अगर करते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में से उस नॉलेज को आने क्यों नहीं दिया जाता कि हम इस डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी हमने एंथनी ब्लिंकन से बात की है या लॉर्ड ऑस्टिन से बात की है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं, राइट, यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, ये बड़ा ही एक पिरामिड टाइप का मॉडल है। तो अगर एंथनी ब्लिंकन कहे इस बात को, तो यहाँ के जो बाकी के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में काम करने वाले लोग हैं या सेनेटर्स हैं, उनका स्टाफ, दे विल टेक नोट ऑफ दीज कमेंट्स। पर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लीडर्स इस तरह की बात खुले तौर पे पब्लिक डोमेन में करने से कतराते हैं। दिनेश, ठीक है ना, मैं आरती टिक्कू जी से एक सवाल और जल्दी से जानना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, इधर कुछ सालों में ये जो बढ़ोतरी आई है, इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोट करने की जो एक होड़ दिखाई दी है, ये क्यों है? और क्या ये डेस्परेशन है? उनको लग रहा है कि अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं इसलिए डेस्परेशन है, या वो ये या इस बात से वो उत्साहित हैं कि अब और कंड्यूसिव माहौल बन गया, अब हम इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस फ्लोट कर सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि क्रैकडाउन तो इंडिया ने किया है। पिछले 3-4 साल में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तो किया वर्ल्ड कम्युनिटी को, पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा जो टेरर नेटवर्क है उस पर कई सारे कदम उठाए गए। पाकिस्तान आज FATF के ग्रे लिस्ट में है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले 4-5 साल में इस सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि इस टेरर नेटवर्क को तोड़ा जाए। और उस सबका उससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस टेरर नेटवर्क की जो फाउंडेशन है वो बिजनेस है, वो पैसा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा इलिसिट ट्रेड से आ रहा है, ये ओपियम ट्रेड से आ रहा है, ये अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ये बॉलीवुड से आ रहा है। तो ये सारा जो जितना भी ड्रग्स, जैसे ड्रग्स एक बहुत ही बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है। तो इस टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में कदम उठाए, देखिए जैसे जमाते इस्लामी को उन्होंने कश्मीर में बैन किया, JKLF को बैन किया, और कई सारे जो फाइनेंशियल क्रैकडाउन जो हुआ। एक बात की हैरानी होती है मैम, आरती मैम, एक बात की हैरानी होती है कि क्या अमेरिका ने यह नहीं देखा कि ओसामा बिन लादेन के लिए उसको एबटाबाद जाना पड़ा था? हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।